हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स इनऑर्गेनिक मेड इजी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड एसिड्स। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। तो हीट की वजह से कैसे सॉल्ट्स और एसिड्स ब्रेक डाउन करते हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑन द सॉल्ट्स एंड एसिड्स। इसमें हम एक लेक्चर ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऊपर आप उसको एज अ सजेस्टेड वीडियो भी देख सकते हो और हमारी इस इनऑर्गेनिक मेड इजी की प्लेलिस्ट्स में भी आप उस लेक्चर को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे फ्रेम होते हैं। हम जब इन लेक्चर्स को डिस्कस करें तो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, सो दैट कि आपको मालूम लगे कि ये आपको कहाँ पे हेल्पफुल है। और बिलीव मी, कोई भी आप एग्जामिनेशन का पेपर उठा लो, चाहे जेईई मेंस, एडवांस, नीट, आपको कोई ना कोई थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन की एक चॉइस जरूर मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। और मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन भी दिखाया था जेईई मेंस 2012 का, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड अ बेसिक एज वेल एज एन एसिडिक ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास चार तरह के सॉल्ट्स गिवन है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोरेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट। इन सब को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हम उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे केटाइन्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे एनाइन्स पॉसिबल हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले बहुत सारे सॉल्ट्स पॉसिबल हैं, और उन सब की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को सीखना वेल बहुत मुश्किल होगा। तो आसानी से सिंपल ट्रिक्स के साथ हम कैसे इन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को याद कर सकते हैं वो हम इन लेक्चर्स में सीख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आंसर कर चुकी हूँ, मगर हमें यहाँ पे हर एक की थर्मल डिकम्पोजिशन सीखना है। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड सीखा, तो आज हम अमोनियम सॉल्ट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द ए टू जेड ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आपको ये लर्निंग मेरे साथ अच्छी लगेगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं जल्दी से, ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुकी हूँ, तो जो ऑलरेडी वो पिछला लेक्चर देख चुके हैं उनके लिए ये सिर्फ एक रिवीजन ही होगी, या आप 2-3 मिनट का ये लेक्चर वीडियो आगे कर सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स ब्रेक करते हैं ऑन हीटिंग और वो फॉर्म करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे जो कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिथियम नाइट्रेट है, इसको हम हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमारे पास इन सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक ही रिएक्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्टेंट, उसको हीट किया, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। और हम इसको कुछ लेक्चर्स के साथ, छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके हर एक तरह के सॉल्ट्स के टाइप्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन बना, तो पहली चीज तो होगी कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इन सब रिएक्शंस में आप देखोगे कि आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ये हीट सप्लाई क्यों करनी पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करना होगा, ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए है। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस कैसी होंगी, ये होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और क्योंकि यहाँ पे ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, तो ये जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे क्या कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। हम पहले एग्जांपल्स लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, सो दैट कि हमने जो मेटल्स के केस में वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के प्रोडक्ट्स
अमोनियम कैटायन के साथ देखें। सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया भी था और बताया भी था कि इसको हम एक अलग तरीके से एक अलग लेक्चर में सीखेंगे। तो अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकलेगी, वाटर एज वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीनों की तीनों गैसेस के फॉर्म में एस्केप कर जाएंगे और कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। ये एक सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया और कुछ भी नहीं बचा, सब गैसेस एस्केप कर जाएंगे। सिमिलरली बाइकार्बोनेट को भी हीट करेंगे तो यही तीनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, और अगर हाइड्रोक्साइड होगा तो हमें मिलेगा अमोनिया और वाटर वेपर्स, तो अगेन ये भी एस्केप कर जाएंगे इनटू एयर। ठीक, ऑलराइट। अब इन सब में आप देख सकते हो कि एक कॉमन क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया गैस, इसका मतलब है कि इन सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करने पे निकलती है। वेल, इसका आंसर है नहीं, हर एक अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे अमोनिया गैस नहीं निकलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, वाटर वेपर निकलेंगे और साथ में CR2O3। ठीक है, तो ये एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट है और उसके बाद रेजिड्यू जो रह जाएगा वो क्या होगा, CR2O3, ये ग्रीन कलर का रेजिड्यू बच जाएगा। अमोनिया गैस एस्केप करेगी, वाटर एस्केप करेंगे, तो हीट किया हमने एक ऑरेंज कलर के सॉल्ट को, रेजिड्यू बचा एक ग्रीन कलर का, और साथ ही में हमें मिली एक इनर्ट गैस, एक ऐसी गैस जो कि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होती है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे हमें मिलती है N2O गैस और साथ में वाटर। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट्स बन गए, एक में अमोनिया निकल रहा है, कहीं पे नाइट्रोजन निकल रहा है, कहीं पे N2O निकल रहा है। तो हम इन सबको कैसे याद करें, ये हम आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिला अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको और थोड़ा डीपली देखते हैं। कैसे डीपली देखते हैं, हम इसमें देखते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो है -3, और सिमिलरली अमोनिया में भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, दैट इज -3। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ। जबकि अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट में प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो है नाइट्रोजन गैस, तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करोगे तो अमोनियम सॉल्ट में तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ही रहेगी, नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो इसका मतलब है कि चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्रॉम -3 to 0। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पे कंपाउंड तो एक ही है, तो क्या है वो चीज जो नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहा है? तो वेल, उसका आंसर क्या होगा, थिंक अबाउट इट। वेल, उसका आंसर है जो अमोनियम सॉल्ट में एनायन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करा रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल Cr2O72 नेगेटिव इज कॉजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट टू नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली कार्बोनेट आयन अगर आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करा रहा है। तो एक एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा रहा है, दूसरा एनायन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ हम यहाँ से सोच सकते हैं एनायंस के बारे में, और अगर हमें एनायंस की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम प्रोडक्ट्स में कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या फॉर्म होगा। तो वेल, हमारे को प्रोडक्ट को याद करने के लिए जो सबसे पहली ट्रिक है वो यही है कि हम एनायंस को थोड़ा अच्छे से स्टडी करें। हमने यहाँ पे एनायंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है ऑक्सीडाइजिंग एनायंस और दूसरे हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस या वीक एनायंस, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं लेके आएंगे।
और ऑक्सीडाइजिंग एनायंस जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एनायंस है NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, Cr2O7 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, NiO3 नेगेटिव। ये हमारे पास 6 एनायंस हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं। इसके अलावा बाकी के सब को हम दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे। कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, OH हाइड्रोक्साइड आयंस, सल्फेट, फॉस्फेट, आयोडाइड, क्लोराइड, ये सब हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। अब इनको क्लासिफाई करके हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एनायंस अमोनियम सॉल्ट में से नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन रहेगी नाइट्रेट आयन की, जो कि नाइट्रोजन गैस रिलीज ना करके N2O गैस रिलीज करेगा, और वो भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। हम रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि ये अपने आप से प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? ऑलराइट। और जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस है, अगर वो अमोनियम सॉल्ट में प्रेजेंट है तो वो रिलीज करने वाले हैं अमोनिया। तो आपने तीन तरह के ही प्रोडक्ट्स देखे थे। एक आपने एग्जांपल में अमोनिया देखा था, एक नाइट्रोजन देखा था, और एक नाइट्रेट के केस में N2O को देखा था। इसका मतलब है सिर्फ ये याद कर लो, ये 6 के 6 याद कर लो, और बाकी के सब को नॉन ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में डाल दो। आपके पास एक एक प्रोडक्ट इन रिएक्शंस का याद हो गया। लेट मी शो यू दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनियम सॉल्ट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन कंटेनिंग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस। तो सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर का सॉल्ट था। प्रोडक्ट फॉर्म क्या होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो हमने क्या देखना है सबसे पहले कि एनायन कौन सा है। तो यहाँ पे Cr2O7 नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट, नाइट्रोजन गैस तो बना ली, मगर और भी तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हम कैसे याद रखेंगे? उसके लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन्स हैं उनका नंबर काउंट करो, उसको 2 से डिवाइड करो और उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन्स हैं। हाइड्रोजन्स 8 हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 4। तो हमारे पास अब क्या आ गए? 2 प्रोडक्ट्स आ गए। एक क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एनायन था तो नाइट्रोजन गैस बननी ही बननी थी, और जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमने उतने वाटर बना दिए। अब उसके बाद आपको देखना है कि इस कंपाउंड में कितने एटम्स, कौन कौन से एटम्स बच गए हैं। तो वेल, यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमियम के और 3 ऑक्सीजन के एटम्स बचेंगे आफ्टर N2 and 4 H2O, ठीक है? तो नाइट्रोजन के 2 निकल गए, ये 8 निकल गए, और ऑक्सीजन के हमने 4 कंज्यूम कर लिए वाटर फॉर्मेशन में, तो 3 ऑक्सीजन और 2 क्रोमियम। अब क्या करना है? सिंपली इनको इकट्ठा करके लिख देना है एज अ प्रोडक्ट, Cr2O3 बन गया। तो ये हमारे पास आ गए फाइनल प्रोडक्ट्स ऑन द हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक, आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, गुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम NH4NO2, इसके प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं। तो अगेन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एनायन कौन सा है। तो एनायन अगेन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो इसमें से सबसे पहले क्या निकलेगा? N2। उसके बाद हमने क्या देखना है कि कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दो, तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद देखो कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। NH4NO2 को हीट करने पे हमें मिलेगा N2O + 2H2O, ठीक है? फिर आ गया अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक एक्सेप्शन थी। नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग है मगर रिलीज क्या करता है? N2O गैस, ठीक है? तो उसको भी कैसे याद रखोगे मैं आपको बताती हूँ। अब आपको अगर यही याद रह जाए कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे? सबसे पहले आप प्रोडक्ट लिख लोगे कि N2 बनेगी और साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर के बन गए, ठीक है? उसके बाद देखो बचा क्या? उसके बाद बचा सिर्फ आपके पास एक ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को आप इस नाइट्रोजन के साथ ही लगा दो, तो आपके पास बन जाएगा N2O। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे मिलेगा N2O + 2H2O।
नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जाम्पल NH4ClO4, और इसके आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं. सो इन केस अब आप लोगों ने कर लिया है तो लेट अस सी. तो सबसे पहले क्या देखना है, ClO4 नेगेटिव कैसा एनायन है, एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो क्या रिलीज करना है, नाइट्रोजन गैस. मगर यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम एक है इसलिए सिंपली इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2NH4ClO4 जिसमें हमने पहले नाइट्रोजन गैस को निकालेंगे. नाइट्रोजन गैस को निकालने के बाद हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करेंगे, 8 है तो 8 का मतलब 4 वाटर. उसके बाद बचा क्या, 2 क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन के एटम्स, इनको कंबाइन करके लिख देंगे Cl2O4. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. अब यहाँ पे एक और ट्रिक सीखते हैं, और वो ट्रिक ये है कि अगर लेफ्ट ओवर एटम्स के अंदर मेटल हो तो उनको कंबाइन करके लिख दो, जैसे कि हमने Cr2O3 के केस में किया था. मगर अगर हमारे पास सारे के सारे लेफ्ट ओवर एटम्स नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन है, नॉन मेटल्स हैं, उनको आप सेपरेटली ही लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स, तो 2 क्लोरीन के एटम्स फॉर्म करेंगे क्लोरीन गैस, और 4 ऑक्सीजन के एटम फॉर्म करेंगे 2 ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2NH4ClO4 से हमें मिलेगा नाइट्रोजन गैस, वाटर, क्लोरीन और ऑक्सीजन. परफेक्टली क्लियर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, NH4IO3, अगेन एक ही नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे N2 निकलेगा, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर निकलेंगे, उसके बाद बचेगा 2 आयोडीन, तो आयोडीन गैस, और हमारे पास उसके बाद 2 ऑक्सीजन के एटम्स, तो 1 मोल ऑक्सीजन का. ठीक, परफेक्ट हो गया, गुड. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस या वीक एनायंस होंगे, इन 6 के अलावा और कोई एनायन होगा तो हम उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे. तो जैसे कि हमने अमोनियम कार्बोनेट के प्रोडक्ट्स देखे थे, तो हम उन्हें कैसे फॉर्म करेंगे. तो अमोनियम कार्बोनेट में एनायन क्या है, हमारे पास कार्बोनेट, और कार्बोनेट कैसा एनायन है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है. नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन के केस में कौन सी गैस रिलीज करनी है, अमोनिया गैस रिलीज करनी है. तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया. अब ये एक प्रोडक्ट को लिखने के बाद आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में बनेंगे. अब इन्हें हम कैसे याद रखें, क्या याद ही करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है, इसको समझना है. और समझने के लिए अगेन एक छोटा सा ट्रिक और यूज कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, इन अमोनियम आयंस को रिप्लेस करेंगे H पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, H2CO3. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया कि एक तो अमोनिया बनेगा, और क्यों 2 अमोनिया बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, तो 2NH3 लिख दिया. ठीक है, और साथ में अमोनियम को रिप्लेस हमने किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ, तो H2CO3 बना, तो हमने वो इसके साथ लिख दिया. अब आगे आपको इस H2CO3 को हीट करना है, डिहाइड्रेट कर देना है एसिड को, और उसको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेल हीट करने पे हमें मिलेगा, वाटर को बाहर निकाला तो 2 H और 1 ऑक्सीजन, वाटर बन गया और बाकी का बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट्स आए वो वही आएंगे जो यहाँ पे लिखे थे, अमोनिया, अमोनिया रहा, साथ में H2CO3 को ब्रेक करने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला. ठीक है, आई होप अब ये आसान है, आपको हमेशा याद रहेगा कैसे करना है. हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दैट कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट का. तो अमोनियम सल्फेट को जब हमने हीट किया तो अमोनिया गैस बनेगी, क्योंकि सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में हमने फिट किया है. ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे अमोनियम की जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो H2SO4 बन जाएगा. अब उसके बाद फर्दर H2SO4 को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा वाटर और SO3. अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ये बनेगा, नहीं तो यही बन जाएगा. आसान है याद रखना,
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट से अगेन तीन नाइट्रोजन है तो तीन अमोनियम बना दिए, और साथ में क्या बना दिया, अमोनियम की जगह पे H लगाया तो H3PO4। अब H3PO4 को आगे फर्दर हीट करेंगे, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो हमारे पास एक हाइड्रोजन बचेगा, एक फॉस्फरस और तीन ऑक्सीजन, तो H2O प्लस HPO3। ठीक है, अब इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो फिर से वाटर निकालेंगे, मगर एक हाइड्रोजन के साथ तो वाटर नहीं निकल सकता, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, H2P2O6। अब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो वेल उसके बाद आपके पास बचेगा P2O5। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें अमोनिया निकलेगा, इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, हमारे पास साथ में P2O5 निकल रहा है, बैलेंस करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले अमोनिया गैस, क्योंकि OH है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, अमोनिया। अमोनिया को निकालने के बाद क्या बचा, यहाँ पे हमने अमोनियम की जगह पे एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया और ये OH है, तो वो क्या बनेगा, H2O। तो हमारे पास सिंपली यही प्रोडक्ट्स आ गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे अमोनिया और वाटर। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड लोगे तो सबसे पहले तो क्लोरीन है, ठीक है, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग वाली कैटेगरी में डाला था, NH3 आ गया। NH3 के साथ अगेन इसकी जगह पे एक हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, HCl, तो यही हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बहुत आसान है, याद रखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ग्रेट। आप लोगों ने ये जो ट्रिक्स सीखी ये आपको कैसे हेल्पफुल होंगी, उनको आप कैसे अप्लाई करोगे, हम उसको करने के लिए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, NH4NO2 को हीट करने पे कंपाउंड ए और वाटर बनेगा, जबकि NH4NO3 को हीट करने पे बी और वाटर बनेगा, और आपको बताना है कि ये ए और बी क्या है, N2 है, N2O है, या AN2O है, BN2 है, AN2 है, BN2O है। तो ये अब आप लोग ऑलरेडी ट्रिक सीख चुके हो, आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है कि ये कैसे एनायंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप जल्दी से बता सकते हैं। तो खुद से जल्दी से अपना आंसर चूज करो और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो इन केस अगर आप लोगों ने कर लिया है तो सबसे पहले NH4NO2, NO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एनायन, N2 गैस तो निकलनी ही थी, साथ में वाटर निकालना था, उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो यही दोनों प्रोडक्ट्स हैं। NH4NO3 को हीट करने पे N2 निकाली, फिर वाटर निकाला, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन बच गया, वो इसके साथ डाल दिया और हमारे पास ये दोनों के प्रोडक्ट्स आ गए। NH4NO2 को हीट करने पे N2 बना तो A बना N2O, सॉरी ए बना N2 और बी बना N2O, सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच ऑन हीटिंग डू नॉट प्रोड्यूस N2, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4Cl प्लस NaNO2, NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम नाइट्राइड। ये जो रिएक्शंस हैं आप लोगों को अपनी NCERT टेक्स्ट बुक के ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिल जाएंगी। किस में मिल जाएंगी, नाइट्रोजन की प्रेपरेशन में मिल जाएंगी, और हम ये जो ट्रिक सीख रहे हैं ये आपको नाइट्रोजन और अमोनिया की प्रेपरेटरी रिएक्शंस को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या मिलता है, ये आप लोगों ने आज की ट्रिक में ऑलरेडी सीखा है, तो आई होप आप ये जल्दी से बता सकते हैं कि क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा नाइट्रोजन, वाटर और Cr2O3। मैंने पहले भी बताया है कि ये एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट है, ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू है, प्लीज इसको जरूर याद रखना, ये भी किन्हीं क्वेश्चंस में एज ए आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस है वो है NH4Cl प्लस NaNO2। अब हमने ये रिएक्शन तो आज नहीं सीखी तो हम इसको कैसे आंसर करें, वेल इसमें आपको ये याद रखना है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए NH4Cl प्लस NaNO2 कंबाइन करके फॉर्म करेंगे NaCl दोनों और साथ में NH4NO2।
अब NaCl एक स्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक नहीं करेगा, मगर यहाँ पे NH4NO2 को जब हम हीट करते हैं तो हमने अभी सीखा है थर्मल डिकॉम्पोजिशन इसका कि साथ में क्या बनेगा, N2 वाटर। ठीक है, तो N2 वाटर और साथ में NaCl, तो हमारे पास इसके बिना मगअप किए प्रोडक्ट्स को याद करने का आसानी से तरीका आ गया। ठीक है, तो इसमें भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ए चॉइस में भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सी चॉइस, तो NH4Cl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो, हाइड्रोक्साइड आयन अमोनियम आयन्स के साथ और क्लोरीन कैल्शियम के साथ NH4OH और कैल्शियम क्लोराइड, अगेन NH4OH को जब आप फर्दर हीट करोगे तो क्या बनेगा, वेल अब ये OH आयंस नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो अमोनिया रिलीज करेंगे, साथ में वाटर बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही है, नाइट्रोजन नहीं बन रही। अब समझ में आया कितना आसान है। अब एक ये फोर्थ रिएक्शन है, ये भी नाइट्रोजन की प्रेपरेटरी रिएक्शंस में गिवन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बेरियम अजाइड और साथ ही में सोडियम अजाइड भी। ठीक है, तो अजाइड इज N3-, ये होता है अजाइड आयन, तो बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलती है नाइट्रोजन गैस। राइट, तो बेरियम अजाइड से बेरियम और 3 नाइट्रोजन मिलेंगे। सो प्लीज प्लीज डू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी रिएक्शन है नाइट्रोजन की, जिससे हमें प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेई मेन्स 2018 का क्वेश्चन है, मेरी डॉटर का एग्जाम क्वेश्चन है, उस ईयर में मेरी डॉटर ने एग्जाम दिया था। द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस N2 गैस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन इज अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्राइट एंड बेरियम अजाइड। तो आई होप अब आप ये लोग सब जल्दी से बता सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाली रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी हुई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में सीखी और ये मैंने आपको आज इस ट्रिक में सिखाई ही है। राइट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, N2 गैस प्रोड्यूस होगी, सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, NH3 प्रोड्यूस होगी, NH4NO2 अगेन NO2 ऑक्सीडाइजिंग है, N2 गैस प्रोड्यूस होगी और बेरियम ऑक्साइड से भी नाइट्रोजन बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी चॉइस। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड अ बेसिक एज वेल एज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दिखाया था और उसका आंसर हमने पिछले लेक्चर में ही सीख लिया था जब हम कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन सीख रहे थे, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है, सी चॉइस। ठीक है, अब ये सी चॉइस क्यों था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई भी कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो आपने पिछले लेक्चर में सीखा था, साथ ही में बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स भी सीखा था, तो वहां से हमने इस रिएक्शन को याद बहुत आसानी से किया था। और वेल अब इसमें बेसिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। बट आई टोल्ड यू कि आपको जब भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें सही और गलत चॉइसेस सबके बारे में उतना ही मालूम होना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि NaNO3 से क्या मिलेगा, पोटाशियम क्लोरेट से क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट से क्या मिलेगा। हम इसको अपने इन थर्मल डिकम्पोजिशन के सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे और जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा इसको छोड़ेंगे नहीं। राइट, तो आज हमने क्या सीखा है अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या मिलेगा। ये अब आप ऑलरेडी जानते हो, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एनायन था तो N2 बनाया था, फिर वाटर बनाया था, एक ऑक्सीजन बच गया था तो उसको N2 के साथ डाला तो N2O गैस बनी। राइट, तो N2O और वाटर यहां से बना। अभी हमारे पास और क्या बाकी है, क्लोरेट आयंस है, नाइट्रेट आयंस है, तो नाइट्रेट आयंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर मैं आपको आज नहीं बताने वाली हूँ, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करें और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन सितंबर 2020 का. ऑन हीटिंग कंपाउंड ए गिव्स अ गैस बी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. दिस गैस व्हेन ट्रीटेड विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट गिव्स अनदर गैस सी विच इज बेसिक इन नेचर. ए शुड नॉट बी. और जो चॉइसेस गिवन है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम अजाइड. ठीक है, तो ये आपकी चार चॉइसेस हैं. इसके बारे में सोचिए और अपना आंसर चूज करिए. हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में श्योरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक लेड नाइट्रेट है. ठीक है, तो हम ये वाला पिछले वाला क्वेश्चन फिर से अगले लेक्चर में देखने वाले हैं. सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आप लोगों ने इसमें से कुछ डेफिनेटली गेन किया. आपके एग्जामिनेशन में ये जरूर आपको हेल्प करेगा. सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू. बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं, ट्रिक्स पोस्ट कर रहे हैं, डिटेल्ड कोर्सेज पोस्ट कर रहे हैं आपके NCERT टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स पे. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आप कुछ भी मिस नहीं करें. बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं. सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.